ईरान के एक विमान में बम मिलने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। ये विमान भारतीय वायु क्षेत्र में था। बताया जा रहा है कि भारत ने विमान को दिल्ली में उतरने की अनुमति नहीं दी। सूचना मिलने के साथ ही भारतीय वायुसेना भी अलर्ट पर आ गई। वायुसेना ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से दो सुखोई विमान इस फ्लाइट के पीछे लगा दिए। जानकारी के मुताबिक तेहरान से चीन के ग्वांगजू जा रहे महान एयर के विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट ATC से बात की थी। जैसे ही विमान के पायलट को बम धमकी वाली कॉल मिली, उसके बाद उसने दिल्ली ATC से संपर्क किया था। अब यह विमान चीन की तरफ जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि यह सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चीन की ओर जाने वाले रास्ते पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। भारतीय एजेंसियों द्वारा अभी भी हवाई जहाज को बारीकी से ट्रैक किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के हवाई स्टेशनों और विमान इकाइयों को भी अलर्ट पर रखा गया है।